सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक जापानी लड़की के साथ कुछ लड़के अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं। होली पर रंग लगाने के चलते यह अभद्रता की जा रही है। यहाँ आपको बताएं कि एक लड़की के साथ सड़क पर लड़कों द्वारा गलत व्यवहार किए जाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को दिल्ली के पहाड़गंज का बताया जा रहा है। इस मामले में अब पुलिस का बयान आया है। पुलिस ने जापानीज एम्बेसी को एक मेल भी किया है। GCP ऑफिस द्वारा बताया गया है कि एक ट्विटर हैंडल से होली का एक वीडियो ट्वीट किया गया। इसमें कुछ लड़के जबरन एक विदेशी लड़की के साथ होली खेलते दिख रहे हैं। इस दौरान विदेशी लड़की परेशान दिख रही है। वीडियो का संज्ञान लेते हुए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस अब इसकी जाँच भी कर रही है। वीडियो पहाड़गंज इलाके का बताया जा रहा है। हालांकि वेरीफाई करना फिलहाल अभी बाकी है। पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है। इस संबंध में जापानीज एम्बेसी को लड़की की पहचान और अन्य डिटेल के साथ मेल भी किया गया है। डिटेल्स वेरीफाई होने पर पुलिस एक्शन लेगी। वहीं इस बीच दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी पुलिस को एक नोटिस दिया है और इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही साथ दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एक और वीडियो ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ मुस्लिम महिलाओं के साथ अभद्रता का वीडियो होली के वक्त का ही सामने आ रहा है। यानी होली के वक्त महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ अभद्रता के इस तरह के वाकये लगातार होते रहते हैं और इस पर जमकर राजनीति भी होती रही है। लेकिन साफ तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि होली जैसे पावन मौके पर लड़के अपनी अभद्रता करने से नहीं चूकते। कैमरामैन नितिन के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।